सड़कों पर किसान अपने खेतों को छोड़कर आज सड़कों पर बैठे हैं और पूरा एक साल गुजर चुका है। ये तानाशाह लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अडानी और अंबानी के जो गुलाम लोग हैं, ये ड्राइंग रूम में से बैठकर हिंदुस्तान के किसानों का तमाशा देख रहे हैं। 450 से ज्यादा किसान इस आंदोलन के अंदर शहीद हो गए। ये तीन काले कानून जो थोपने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर और देश के लोगों के ऊपर की है, इससे सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं है, देश के अंदर रहने वाले हर नागरिक का इससे नुकसान है। ये काला कानून कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला कबूल नहीं करेगा। अब हिंदुस्तान तेरी धरती पर ये निशान रहेंगे, या तो तानाशाह रहेंगे या फिर किसान रहेंगे। अब किसान आर पार की लड़ाई लड़ने को बिल्कुल तैयार खड़ा है। यह आंदोलन इस दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है जिसको एक साल आज पूरा हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि किसान अपने खेतों को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, देश के नागरिकों को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उसमें किसानों को और देश के लोगों को जरूर कामयाबी मिलेगी। और ये तानाशाह लोग जो ड्राइंग रूम में बैठकर तमाशा देख रहे हैं, आने वाले चुनावों के अंदर जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा, ये धरती पर आएंगे और घुटनों के बल किसानों के पास जाकर माफिया मांगने को मजबूर होंगे। भाजपा का कहना है कि आप जैसे विपक्षी लोग जो हैं वो इन्हें गुमराह कर रहे हैं, किसान तो खुश है कानूनों से। इन कानूनों को बनाने के लिए किस किसान से मशवरा किया गया था? देश के ऊपर बार बार काले कानून ड्राइंग रूम में बैठकर थोप दिए जाते हैं और यदि कोई व्यक्ति आवाज उठाने की कोशिश करे तो उसको पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश करते हैं, उसको खालिस्तानी बताते हैं, कभी उसको पाकिस्तानी बताते हैं, कभी किसानों को आतंकवादी बताते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और इतिहास रहा है क्योंकि ये अंग्रेजों से शिक्षा लेकर देश के लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ये विदेश जाते हैं और अंग्रेजों से बांटो और राज करो की नीति सीखते हैं। ये इसलिए बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं।